So, बुध के बारे में बात करते हैं हम बुद्ध तवचा का कारक है मुख का कारक ग्रह बुद्ध है, बुद जो है हमने था कांसे 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 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ब्रॉन्ज आई बिलीव राइट ब्रॉन्ज पदक होता है ना कांसे पदक तो ब्रॉन्ज उसको बोलते हैं बुध एक नपुंसक प्लेनेट माना जाता है ठीक इसलिए बुध नपुंसक है बुध और शनि ये दो प्लेनेट नपुंसक प्लेनेट माने जाते हैं और ये दो प्लैनेट एक ऐसे प्लेनेट हैं किसी की कुंडली में सातवें भाव में इकट्ठे बैठ जाए किसी की कुंडली में सातवें भाव में बुद्ध और शनि इकट्ठे बैठ जाए तो ये इंपोर्टेंसी योग बना देते हैं जिसके वजह से शादी के चल टूटने का या शादी में डिस्टरबेंस का योग बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द इंपोर्टेंसी सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट ठीक बुध हरे रंग का प्लैनेट माना जाता है बुद्ध का रंग रंक हरा माना जाता है बुद्ध जो है रासिक प्लैनेट माना जाता है गुणों में क्योंकि ये प्रिंस भी है तो प्रिंस होने की वजह से राजा रासिक प्लैनेट माना राज रज इसका जो है गुण माना गया है बुद्ध की दो राशि होती है एक मिथुन और एक कन्या दो राशि होती है तीन नंबर और छह नंबर मिथुन और कन्या बुद्ध जो है छह नंबर में उच्च का होता है और छह नंबर में मूर्तिकोण का होता है बुद्ध छह नंबर में उच्च का होता है और छह नंबर में मूर्ति कोण का होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना इसलिए बुद्ध की जब प्लेसमेंट छह नंबर में के घर में होती है इरेस्पेक्टिव वहां पे छह नंबर की राशि है या नहीं है इरेस्पेक्टिव छह नंबर में बैठा हुआ बुद्ध पावरफुल होता है ये बात को समझ चलना जो हमने बात की अभी तक उच्च के प्लैनेट की कौन सी राशि होती है या की कौन सी राशि होती है उन घरों में अगर वो प्लेनेट वहां पे बैठ भी जाते हैं तब भी वो पावरफुल होते हैं मिलती है बुद्ध मीन राशि के अंदर नीच का होता है बुद्ध मीन उल्टा मीन आएगा जो, जो छे नंबर की राशि है उसका उल्टा बारह नंबर की राशि होगी ठीक अपने से सातवा नीच का होगा तो मीन मीन राशि है और तो बारहवें घर में भी जब बुद्ध बैठता है रिस्पेक्टिव कौन सी राशि आ रही है वहां पे बुद्ध जो मंदा रिजल्ट देता है हल्का रिजल्ट देता है और उस व्यक्ति को दिमाग है चंचलित रखता है उसके डिसीजन मेकिंग में कमी आ जाती है साथ में साथ में अपने विचारों पे खड़ा रह पाना उसके लिए कई बार मुश्किल हो जाता है और ऐसा व्यक्ति अगर इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहे तो बहुत ठोकर खाता है घर में जो जिसका अपनी कुंडली लेके बैठे होंगे आप आई एम वेरी श्योर नहीं बैठे तो लेके बैठना कुंडलिया तो बारहवें घर में अगर बुद्ध बैठा है तो अपने नाम पे अगर व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो तकलीफ से होता है जल्दी बिजनेस नहीं होता जब तक कहीं और से सपोर्ट नहीं आ रही हो इट्स वेरी टफ ठीक बुद्ध Uh, बुद्ध जो है इसके अलावा बुद्ध उत्तर दिशा का प्लानट है उत्तर दिशा नॉर्थ की डायरेक्शन बुद्ध की डायरेक्शन मानी गई है नॉर्थ की बुद्ध एक स्मॉलेस्ट प्लानट है इस सोलर सिस्टम का और इसको जो है एक रेडियंट प्लान भी बोला गया है ठीक है बुद्ध जो है बिजनेस का कारक है स्पीच का कारक है बुद्ध जो है एक सबसे नियरेस्ट टू द सन माना गया है जब बुद्ध और सूर्य बहुत करीब हो यानी कि तीन डिग्री बीस मिनट के डिफरेंस पे हो दोनों प्लान तो उसको बोलते हैं बुद्ध आदित्य योग ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज होता है जितना के साथ सूर्य का संबंध होगा क्लोजेस्ट वो व्यक्ति का दिमाग बहुत शार्प होगा इट्स लाइक ए शार्प स्किल्स इट इज लाइक समथिंग विच लाइक लाइक साइंटिफिक स्किल्स वेरी कैलकुलेटिव वेरी शार्प स्किल्स जिसका दिमाग जो आप चेक करके देखें जिन जिन लोगों का बुद्ध और सूर्य में बहुत ज्यादा करीबी डिस्ट रहेगा या तो एक ही नक्षत्र में दोनों बैठ गए या दोनों की डिग्रियों में बहुत कमी है मतलब दोनों की डिग्री एक डिग्री आधा डिग्री डेढ़ डिग्री ऐसा डिफरेंस है दे, दे वेरी, वेरी इंटेलिजेंट पीपल एंड दे आर माइंड स्किल्स आर वेरी शार्प एट द सेम टाइम जिसका बुद्ध राहु के साथ बैठ जाता है उसके अंदर दो तरह की चीजें पैदा होती है या तो वो व्यक्ति दिमाग से बहुत ठस होगा या दिमाग से वो व्यक्ति बहुत चालबाज होगा राहु जो है चलाक है तो जो राहु के साथ जिसका बैठेगा उस वो जो है दिमाग से बहुत तेज होगा चलाक होगा चालू होगा मतलब दो चीजों में फर्क है देर इज ए वन इंटेलिजेंस लेवल विच इज सूर्य के साथ बुद्ध की स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस लेवल एक होता है बड़ी अच्छी इंसान का दिमाग है बट करप्ट काइंड kind ऑफ of. मतलब एक एक, एक आ, ऐसा दिमाग है जिसके अंदर फतूर भरा रहता है हर समय इट्स लाइक ए वायरस काइंड ऑफ इट्स लाइक ए जो भी सोच रहा हूँ उल्टा सोच रहा हूँ जैसे आ, कोई भी एक्टिव दिमाग चलेगा बहुत तेज चलेगा लेकिन उल्टी जगह पे चलेगा गलत जगह पे चलेगा या आज के युग के अनुसार बात करें तो टेक्नोलॉजी के बहुत तेज चलेगा ठीक है जैसे क्रैक करना जैसे कोई चीज को आ, जैसे आजकल के माध्यम से अगर बोले तो बहुत बोल लोग हैकिंग करते हैं राइट हैकिंग कर लेना या आ, देख देख के या यूट्यूब को देख देख के या इस तरह की चीजों को देख देख के एक ऐसे अपने आप में माइंड को बड़े शार्प माइंड को स्किल को कर लेना कि जुगाड़ काम बहुत जल्दी फिट कर लेना आज के पास से बोले तो ऐसा दिमाग होता है बुद्ध और राहू का या फिर बुद्ध और राहू का जो दिमाग होगा वो ठस दिमाग होगा उसमें कुछ पहले नहीं पड़ेगा इन बिटवीन नहीं होता वो इधर दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग शार्प इन टर्म्स ऑफ जुगाड़ इधर दे आर और दे आर वेरी ठस मतलब उनका कमजोर माइंड होगा बुद्ध और इसमें के ओके बुद्ध जो है एक ऐसा प्लेनेट है जो कि ऑलवेज ऑलवेज सस्पिशियस है इट इज ऑलवेज सस्पी मतलब इसको शक करने की बहुत आदत है बुद्ध को शक शक्की मिजाज का प्लेनेट है ये थोड़ा सा बट ये ऑस्पिशियस है

की जो स्थिति होती है वो सेंटर के हाउसेस के अंदर होती है यानी कि एक चार सात दस के घर के अंदर हाउसेस हो, में होती है तो ये एक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी करता है तो बुद्ध जो है बड़ा स्ट्रांग होता है सेंटर के हाउसेज में एक चार सात दस के हाउसेज में बड़ा स्ट्रांग काम करता है बुद्ध जो है अगर मेलिफिक होता है तो इंसान को ये नर्वस सिस्टम्स की प्रॉब्लम देता है ब्रेन की प्रॉब्लम देता है मेमोरी की प्रॉब्लम देता है स्किन डिजीज देता है सेक्सुअल uh, वीकनेस भी देता है क्योंकि बुद्ध नेचुरली नपुंसक है इसलिए वो वीकनेस भी देता है की प्रॉब्लम देता है हकलाने की प्रॉब्लम देता है जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है बुद्ध जो स्पीच डिफेक्ट देता है बुद्ध वाक शक्ति को गड़बड़ाता है उसमें दिक्कत पैदा करता है बुद्ध फर्टाइल फर्टाइल का को भी दिक्कत क्रिएट करता है बुद्ध फर्टाइल के अंदर इधर इट्स अ फीमेल फर्टाइल और और दी लैंड फर्टाइल उसके अंदर भी दिक्कत क्या पैदा करता है बुध बुध जो है बुध का जो दिन होता है वो बुधवार दिन होता है बुध के जो तीन हम नक्षत्र मानते हैं वो है अश्लेषा रेवती और ज्येष्ठा जो लोग अश्लेषा जेवती और ज्येष्ठा नक्षत्र में होते हैं आपने सुना होगा एक गणमूल तो वो मूल का नक्षत्र कहलाता है गणमूल मूलों का नक्षत्र वो कहलाता है अः अश्लेषा गणमूल की पदाश्त कराती है अश्लेषा जेस्टा के अंदर जब बच्चे पैदा होता है ये इसको गणमूल का अपना एक चैप्टर आएगा तब उसमें हम डिटेल में समझेंगे फिलहाल के लिए हम इसको पाक करते हैं जेंडर इसका जो है नपुंसक या न्यूट्रल कह सकते हो मतलब यू सी डेट एंड इसका जो अः uh, मेटल होता है वो होता है सॉरी इसका जो जैम होता है यानी कि इसका जो जो इसका नग होता है वो होता है एमरॉल्ड ग्रीन अमराल्ड यानी कि पन्ना पन्ना इसका इसका ग्रीन होता है बुध की जो दो राशि होती है बुध का अपना एलिमेंट वैसे अर्थ एलिमेंट होता है लेकिन बुध की जो दो राशि होती है एक होती है मिथुन राशि दूसरी होती है कन्या राशि मिथुन राशि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है और एट द सेम टाइम नहीं सॉरी

अगर रूलिंग डायट्री देखें तो विष्णु देव विष्णु देव बुद्ध की रूलिंग डायट्री है जिसको प्रिजर्वर के नाम से भी हम जानते हैं बुद्ध को बुद्ध अगर अच्छा होता किसी कुंडली में अगर बुध अच्छा है तो क्या करेगा बुद्ध अच्छा है, अच्छा है तो इंटेलिजेंट लेवल देगा वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेस्पिंग पावर देगा बड़ी अच्छी मेमोरी प्रदान करेगा बहुत जल्दी रिटेंशन होगी मेमोरी की ठीक अगर अच्छा है तो इंसान की बात शक्ति बड़ी अच्छी होगी मेंटेबिलिटी बड़ी कंस्ट्रक्टिव पावर होगी मेंटल एबिलिटी बड़ी अच्छी होगी व्यक्ति की व्यक्ति लिटरेचर में सब्जेक्ट्स में बड़ा अच्छा होगा इंटिव पावर बुद्ध इंट्यूटिव भी है क्योंकि मैम क्योंकि कॉन्शियस माइंड है ना बुद्ध इज वेरी स्ट्रॉन्ग इंटिव पावर छठे हाउस में बैठा हुआ बुद्ध बड़ा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन देता है क्योंकि छठे हाउस का जो बुद्ध है वो आ, अभी जैसे बताया उच्च का या मूर्ति कोण का तो बड़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पैदा करता है बुद्ध वहां से बैठ के आ, ऐसे बुद्ध अगर अच्छा होगा तो इंसान की स्पीड एक्यूरेसी मैथमेटिकल स्किल्स ये बिजनेस स्किल्स बिजनेस एबिलिटी वाद शक्ति सेल्समैनशिप या वा, सेल्स, सेल्स कन्वर्ट करना अच्छा

इस टाइप की एक्टिव हो सकता है या जुड़ हो सकता, है। हो सकता है वो व्यक्ति का दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए जॉब बट उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हेड चाहिए उसके लिए वो बुद्ध देता है बुद्ध जो है टंग ट्विस्टिंग भी देता है अभी कुछ बोला कभी कुछ बोला बात में प्लेटवार बड़ी स्ट्रॉन्ग वो देता है बुद्ध बुड uh, स्कैंडल्स भी देता है स्प्रेडिंग स्कैंडल्स स्टर्मिंग स्पीच भी होती है उसकी एक्सेसिव टॉक्स या बिना सिर पैर की बातें अनप्रिंसिपल टॉक इनकंसिस्टेंट टॉक अनएथिकल टॉक इस टाइप की जो फालतू की बकवास होती है बातें होती है वो बुद्ध उसको देता है बुद्ध जो है फ्लुएंसी जो होती है द व्हेन वी टॉक देयर नीड टू बी सम लेवल ऑफ फ्लुएंसी उसको वीक करता है मेमोरी को वीक करता है शॉर्ट मेमोरी कर देता है और

बच्चे का प्रभाव उसके फेस पे बहुत जल्दी मिलेगा यहाँ पे बैठे हुए मैं तुलिका जी का देख लेना फेस फेस देखना और इनके इनका बुद्ध जो है एक्टिव होगा इनका स्ट्रांग इनके चार्ट में होगा आप चेक करके देख लेना इनके आई थिंक मुझको के लिए भी शी बॉन्ड विद, विद नंबर उनके पांच नंबर के है शक्ति इन पे यस चलो बुद्ध का जो हाइट होती है नॉर्मल एवरेज हाइट होती है जॉर्मली और इनकी जो हेयर uh, होते हैं नॉर्मल कई बार कर्लिंग हेयर टाइप होते हैं और इनका एक जो फिजिकल अपीयरेंस होता है नॉर्मल फिजिकल अपीयरेंस होता है सबसे इंपॉर्टेंटली उनका फेस इंप्रेशन पता चलेगा बुध uh, के जो बॉडी पार्ट होते हैं वो नोज ब्रेन टंग लंग नर्वस सिस्टम स्किन ठीक है हैंड्स ये बुद्ध के बॉडी पार्ट्स होते हैं नॉर्मली और बुद्ध के जो प्रोफेश्स होते हैं वो किसी प्रकार का टीचिंग राइटिंग स्किल्स राइटिंग पोइट्री एडिटर अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी से रिलेटेड जितने भी subjects होते हैं स्पीच स्पीकर से रिलेटेड जितनी भी चीज होती है salesman के सारे जॉब वाद शक्ति वाले सारे जॉब चाहे रिटेलर हो चाहे जनरल स्टोर हो चाहे किसी भी प्रकार का हो इन्वेस्टमेंट्स स्किन स्किन केयर स्पेशलिस्ट ठीक प्रूफ रीडर जो होते हैं या बैंक employees, employee अकाउंटेंसी related रिलेटेड अगेन तो इस सब चीजें ये बुद्ध को रिप्रेजेंट करती हैं के परस्पेक्टिव से बोले तो बुद्ध जो है वाशक्ति करा क्या तो वाशक्ति सबसे किसी की रिकॉर्डिंग ऑन हुई क्या हुआ एक रिकॉर्डिंग की आवाज आई है किसकी आई है रिकॉर्डिंग की आवाज ओके किसी का डबल माइक ऑन होगा शायद एनीवे तो ब, आ, क्या बोला था वाद शक्ति

या या किसी प्रकार की जो वेन्स के अंदर पेन होता है वेन्स की तकलीफ होती है वेन्स की तकलीफ जो है बुध को रिप्रेजेंट करती है और इसके अलावा बुध से रिलेटेड इम्पोर्टेंसी अगेन बुध का इफेक्ट है तो इस टाइप की जो बीमारियां होती है वो बुध को रिप्रेजेंट करती हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर माना जाए तो जो पालक होता है ग्रीन पालक स्पेनिच जिसके बोलते हैं बुध को रिप्रेजेंट करता है वॉलनट बीटर लीव्स बुद्ध को रिप्रेजेंट करती हैं बुध के लिए अगर हम बुद्ध के लिए और आ, ग्रीन कलर के क्लोज ग्रीन पल्सेस सब बुद्ध को रिप्रेजेंट करती है पेड़ पौधे हरी हरी घास हरी हरी वस्तुएं सब बुध को रिप्रेजेंट करते हैं पौधे ठीक है बुध का जो कार्यक्षेत्र होता है नॉर्मली बुध का कार्यक्षेत्र जो बुद्ध के प्रोफेशन है वही उसका कार्यक्षेत्र लिखना पढ़ना पत्रिका प्रचार प्रचार भी के क्षेत्र में आता है प्रचार यानी कि पब्लिकेशन 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 आज के युग का जो है वो इंटरनेट मीडिया या मीडिया या सोशल के माध्यम से ज्यादा है पहले के युग का जो प्रचार था वो कागज के माध्यम से ज्यादा था तो कागज के माध्यम से प्रचार या इंटरनेट के माध्यम से प्रचार दोनों ही प्रचार बुद्ध के क्षेत्र में आता है क्योंकि तीसरे घर से हम प्रचार को देखते हैं इफ यू रिमेम्बर मैंने जब थर्ड हाउस से हम प्रचार को देखते हैं और तीसरे काल पुरुष कुंडली में तीसरे हाउस के अंदर तीन नंबर की राशि आएगी जो बुद्ध की राशि है मिथुन राशि है तो बुद्ध को इसलिए हम प्रचार के रूप में देखते हैं प्रचार चाहे वो किसी माध्यम से हो रहा है उसके अंदर बुद्ध का योगदान होता है ठीक अधिक पसीना आना भी बुद्ध का कारक है कई लोगों को बहुत अधिक पसीना आता है इसके अंदर बुद्ध का इंपॉर्टेंट रोल होता है ठीक है कई लोग तांत्रिक तंत्र की परेशानी आ... उसे पीड़ित हो जाते हैं तो क्योंकि बुद्ध जो है हमारा कॉन्शियस माइंड है कॉन्शियस माइंड पे अटैक होगा तो इंसान ये ता, तांत्रिक शक्तियों से या फिर क्या बोलते हैं जादू टोना इन सब से परेशान होता है कई लोगों को नजर बहुत जल्दी लगती है बुद्ध का उसमें इंपॉर्टेंट होता है उसमें चंद्रमा का इंपॉर्टेंट ज्यादा रोल होता है बट बुद्ध का भी उसमें रोल होता है क्योंकि बुद्ध अगेन मेमोरी है हमारा कॉन्शियस माइंड है मैं कॉन्शियस माइंड पे तकलीफ होगी तो हमें ये सब चीजों में तकलीफ होगी कॉलेज विद्यालय आदि जो स्थान होते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह जो होते हैं वो बुध के माने जाते हैं और बुध के जो पक्षी होता है लोमड़ी तोता बकरी ये बुध के माने जाते हैं ठीक है अब इसी से आप तो एक छोटा सा उपाय आपको बता देता हूँ उपाय समझ लो या टिप समझ लो अगर जिसको बुध अपना अच्छा करना हो तोते को हरी मिर्च खिलाओ तोता पालो मत बट तोते को हरी मिर्च खिलाओ आपकी शक्ति अच्छी हो जाएगी बुद्ध के इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे अच्छे, कुछ नहीं करना सुबह को जाओ रोज एक सुबह ढूंढ लो कहा तो के लिए अगर हम एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ से देखते हैं तो हम जो मंत्र करते हैं बुद्ध का ओम बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा बुधाय नमा ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा बुधाय नमा का तांत्रिक मंत्र होता है ओम बुद्ध बुधाय नमा ओम बुध बुधाय नमा ये बुद्ध के दो मंत्र होते हैं चार मुखी रुद्राक्ष बुद्ध का होता है विधारा मूल विधारा मूल की जड़ बुद्ध की होती है विधारा मूल की जड़ बुद्ध की जड़ मानी जाती है इसके अलावा बुद्ध को अगर हम देखें और एक्टिविटीज के माध्यम से तो बुद्ध जो है हमारे लिए लॉजिकल एक्टिविटीज का कारक बुद्ध माना जाता है पुस्तकें जितने भी स्टेशनरी मटेरियल होते हैं स्टेशनरी मटेरियल में बुक्स भी आ, आ जाती हैं पेंसिल कॉपी कलम रबड़ शॉपनर ये सब चीजें स्टेशनरी का मटेरियल होता है स्टेशनरी मटेरियल बुद्ध की मानी जाती हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल गोइंग छोटे छोटे बच्चे होते हैं नॉर्मली चार चौथी पांचवीं क्लास तक के उनको अगर हम स्टेशनरी मटेरियल भी हम देते हैं तो उससे भी बुध का इलाज होता है बुद्ध का उसका रेमिडियर काम करता है बुद्ध मेजरमेंट्स जितनी हम मेजरमेंट लेते हैं करते हैं कैलकुले कैलकुले का पार्ट जहां भी गणना आ जाएगी वो बुद्ध है आज का युग कंप्यूटर युग है तो कंप्यूटर युग में कंप्यूटर युग टेलीविजन रेडियोस ये को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट के साधन है तो ये सब को रिप्रेजेंट करते हैं टेस्ट टेस्ट बर्ड्स टेस्ट ये बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है इसलिए दूसरे भाव में जिसका बुद्ध बैठा होता है और दूसरा भाव हमारा किस चीज का हमारा खाने का है

कैलकुलेटिव हुआ इंसान और उसका बुद्ध जो है भाग्य भाव में बैठ के अच्छा काम करेगा भाग्य का बात की थी तारा रानी और गुरु ने बुद्ध को अपनाया लेकिन बुद्ध ने गुरु को नहीं अपनाया था तभी बुद्ध जो डिपार्टमेंट बी में जाके मिला था लास्ट वीक की कहानी याद करना नौवे भाव में बुद्ध बैठा हुआ बहुत उमदा नहीं है हाउ एवर कुंडली अगर डिपार्टमेंट बी की है तो उसके अंदर बुध अगर नौवे में बैठ गया जिंदगी में रिजल्ट अच्छे देगा लेकिन दांतों की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है थोड़ी बहुत इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू अच्छा टीथ भी दांतों के हैं हाँ दांत भी बुध के होते हैं उसकी प्रॉब्लम या स्किन की प्रॉब्लम या नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है और थोड़ी तकलीफ हम पे देता है ओवरऑल अगर परसेंटेज बोलू सिक्सटी परसेंट गुड फोर्टी परसेंट बैड ठीक है

चीजों को चेंज कर लेता है बुध कोऑर्डिनेटर है बुध शॉर्ट ट्रैवलिंग है ठीक है बुध मल्टी क्या बोलते हैं मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग है एंड बुध जो है क्यूरोसिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग क्यूरोसिटी बुध है जो लोगों को बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी रहती है हर समय कुछ ना कुछ क्यूरोसिटी चलती रहती है उनका बुध हो है पहले घर में बैठा हो चेक करके देख लेना

लॉजिकली उनको किसी चीज का तर्क ना दिया जाए वो लोगों को समझ में नहीं आती बात क्या है एंड वेरी वेरी डिबेटेबल ठीक बुद्ध बुद्ध इलिप्सी का कारक भी बनता है बुद्ध जो है आ, जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो जितनी भी बीमारियां हैं वो सब तो हमने बात कर ही लिया तो दिस इज बुद्ध नाउ